होप पनीशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंडल को लेकर सोमवार की रात हुए दो पक्षों के विवाद के बाद डीएम ने हॉस्पिटल को सील करा दिया था। इसके बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंडल के बीच आरोपों का दौर शुरू हो गया। बुधवार को हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंडल के डॉक्टर विजय पांडे ने भाजपा सांसद कमलेश पासवान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उनके द्वारा उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। विजय पांडे ने कहा कि सांसद अपने राजनीतिक दबाव में सभी लोगों को धमकी दे रहे हैं जो सरासर अन्याय है। वहीं इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि पनीशिया हॉस्पिटल को जो मैंने कब्जा कर लिया है एवं विभिन्न लोगों के साथ मैंने विजय पांडे, राज श्रीवास्तव व उनके साथियों के साथ मारपीट किया है वह सरासर गलत है। सांसद ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सांसद को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है? उन सबको मालूम है कि पिछले 24 वर्षों के राजनीतिक करियर में मैंने किसी को कोई भी व्यक्तिगत ठेस नहीं पहुंचाया है। जहां तक बिजनेस की बात है, पूरी ईमानदारी के साथ कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रहकर राजनीति के साथ साथ साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करने का प्रयास किया है, लेकिन हमेशा किसी ना किसी रूप में मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए गलत तरीके से मुझे कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। सांसद ने कहा कि सोमवार की घटना है कि मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली दिया गया एवं अभद्रता की कोशिश की गई, यह कहाँ तक न्याय संगत है? इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पनीशिया हॉस्पिटल के विजय पांडे और सांसद कमलेश पासवान ने कहा, आज प्रेस वार्ता करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि माननीय सांसद कमलेश पासवान जी द्वारा हम लोगों के खिलाफ हॉस्पिटल कब्जा करने की जो कार्यवाही उनकी चल रही है वो चल ही रही है। उसके अलावा उनके द्वारा हम लोगों के ऊपर तमाम तरह से फर्जी मुकदमे लदवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल पे गए थे, हम लोग हाथ जोड़ के शांति से पूरे सम्मान के साथ सांसद जी से बात कर रहे थे और कंपनी के नियम कानून और बाकी सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे। अचानक सांसद कमलेश पासवान जी 20-25-30 लोगों के साथ आए, प्रमोद सिंह आए और हम लोगों के साथ वाद विवाद शुरू हो गया। वीडियो में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सांसद जी ने आरोप लगाया है कि हम लोगों ने उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अपशब्द कहा। हम लोगों के नेचर में भी ऐसा नहीं है और हम लोगों ने कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। हमारा इतिहास ऐसा नहीं है, हमने कभी भी किसी के लिए इस तरह के किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उस दिन भी वीडियो में साफ स्पष्ट है कि हम सांसद जी को पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ के हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद भी उनके द्वारा हमारे ऊपर इस तरह से फर्जी आरोप लगाया जा रहा है। हम लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश ही नहीं किया था, जबकि प्रमोद सिंह द्वारा हम लोगों के ऊपर मारने पीटने और रुपया लूटने का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि हम कंपनी के बायलाज, कंपनी के कानून और कंपनी के नियमानुसार कार्य करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सिंह और कमलेश पासवान जी हमको उसके लिए कार्य नहीं करने दे रहे हैं। शासन प्रशासन भी हमारे बाइलाज, हॉस्पिटल के संचालन की तरीके, हॉस्पिटल के संचालन की प्रक्रिया, कंपनी एक, इन सब चीज़ों से कोई मतलब रख रही है। कंपनी में शेयर का और प्रमोद सिंह के फर्जी डायरेक्टर होने का विवाद माननीय NCLT में विवादित है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल चलते रहना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने हमारे बाइलाज में कौन अधिकृत है हॉस्पिटल चलाने के लिए यह देखे बिना ही हॉस्पिटल को सील कर दिया। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और हम उनसे निवेदन करेंगे, हम उनसे अपनी बात रखेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, एक निष्पक्ष अधिकारी द्वारा, कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा इसकी जाँच कराई जाए और जाँच कराने के बाद से जो तथ्य हो उसके अनुसार हॉस्पिटल का संचालन उसके सुपुर्द किया जाए। धन्यवाद। 2013 में हम लोगों ने कंपनी बनाई थी, पनीशिया लाइफ हेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके, उसमें 7 संस्थापक सदस्य थे। उन 7 लोगों ने उस बिल्डिंग का एक रजिस्टर अनुबंध 29 साल 11 महीने का किराएदारी का अनुबंध कराया। 2016 जून 2016 में प्रमोद सिंह पर एक फर्जीवाड़े के तहत हॉस्पिटल में शामिल हो गए। 2 साल तक प्रमोद सिंह मनमाने ढंग से हॉस्पिटल में काम करते रहे।
उन्होंने फर्जी रूप से डायरेक्टर बनने का प्रयास किया और शेयर घोटाले का प्रयास किया, सबके नाम के शेयर को फर्जीवाड़े करके फर्जी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट छपवा के उसको अपने नाम से दिखाने का प्रयास किया। इस आशय हेतु एक मुकदमा हम लोगों का माननीय NCLT न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद से जब प्रमोद सिंह को ये लगा कि NCLT में वो मामला हार जाएंगे तो उन्होंने भाजपा के दबंग सांसद कमलेश पासवान जी को पकड़ा और उनको हॉस्पिटल में घुसा दिया। जैसा कमलेश जी का पूर्व में भी ये नेचर रहा है कि विवादित संपत्तियों में या बड़ी संपत्तियों में वो चाहते हैं कि हम उसमें जैसे तैसे कब्जा कर लें, और वही प्रयास उन्होंने यहाँ भी किया है। सांसद होने के नाते बदनाम क्यों, कोई कारण? वो अपना पैसा मांगेगी कि नहीं मांगेगी? मुझे क्यों बस सीखा जा रहा कि मैं क्यों डिफॉल्ट करूंगा? आप सीमेंस से जाके लड़ो ना भैया। सीमेंस ने इनको ये लड़ाई देखिए, सीमेंस कंपनी ने इनको नोटिस भेजा कि इस पर इसी पर बैठा है, अनिशा कंपनी पर इसी पर बैठा है। मैं कह रहा हूँ कि सीमेंस कह रहा पहले ये समझो, मेन चीज है इस बात को समझो। 4.5 करोड़ रुपये एक बंदे का लगा हुआ, ठीक, वो आपको लोन दिया होगा, आप पैसा दे नहीं रहे, कोर्ट चली गई वो, और कोर्ट आप नहीं दे रहा तो उसने ओके मांग कर रही है सरकार से कि मेरा पैसा रिकवर कर रही है। उसका पैसा भी तो रिकवर होने का भी चाहिए नहीं चाहिए। भाई डॉक्टर प्रमोद सिंह ने हमसे संपर्क किया कि भैया इसको चलाए कुछ का मार्केट का पैसा मशीन वर्क में, हमने कुछ इन्वेस्ट किया लेकिन जिस तरह परसों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर राजनीतिक छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, इससे दुखी होकर क्या किसी सांसद को या किसी भी जनप्रतिनिधि की मैं बात करूं, उसको बिजनेस करने की छूट नहीं है क्या? अगर जो कोई राजनेता, कोई सांसद या विधायक कोई बिजनेस करता और नियम के कानून के अंदर करता, किसी का किसी भी नियम कानून को वायलेशन नहीं करता, मैं पूछना चाहूंगा कहां से ये इंसाफ है? जिस तरह से परसों की घटना को पहले से प्लान करके, मैं तो हॉस्पिटल में पहले बैठा हुआ था, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में गया, मैं ये इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ था। जब बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा, आवाज आने लगी, कर्मचारियों को लोग मेरे पास आए, जब बताए तब मैं गया, लोगों से आग्रह किया गया भाई मरीज हैं, पेशेंट दिखाने आए हैं, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, कोई ऐसी बात है तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, और इससे पहले भी आप लोग कई बार आ चुके हैं और आप लोगों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनका प्रायोजन दूसरा था। 40-50 की संख्या में मेरे नाम को लेकर, जाति को लेकर, मेरे कास्ट को लेकर जिस तरह गाली दिया गया, मुझे लगता है कि सभी पत्रकार बंधुओं के पास उसका वीडियो क्लिप होगा, और जिस तरह उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ था, ये भी नहीं कि मेरे लोगों के द्वारा या मेरे द्वारा बनाया गया था, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया और इसको प्रसारित किया गया, और जब पाया गया कि उन लोगों से गलती हुई है, क्योंकि लड़ाई अगर जो कोई चीज़ की है, मैं कहता हूँ कि अगर जो पेनिशिया की लड़ाई कंपनी में चल रही है, ये लड़ाई ROC में कानपुर से लड़ा जा सकता है, जो स्वयं कनिशिया NCLT का मुकदमा जो इलाहाबाद में पिछले 3 वर्षों से चल रहा है वहाँ लड़नी चाहिए, सड़क पर नहीं लड़नी चाहिए। मैं फर्स्ट डे भी कहा था जब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि अब डायरेक्टर कैसे बन गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नियम कानून के तहत मैं कैसे डायरेक्टर बना, ये ROC के साइड पर जाएंगे देखेंगे, ROC के साइड पर जाएंगे देखेंगे मैं डायरेक्टर बना हूँ किन नियम कानून का, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप शिकायत करिए, उसकी जांच हो, और उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो ROC का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, और वही NCLT का भी। जैसे डॉक्टर प्रमोद सिंह को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है कि प्रमोद सिंह सांसद जी को लेकर यहाँ पर अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल को कब्जा कर, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हॉस्पिटल में कब्जा नहीं कर रहा, और हॉस्पिटल 20 शहर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शहर में है, और मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में कोई भी ऐसा कांड नहीं हुआ है जिस पर सरकार चैरिटी के तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने पर हम लोगों पर कोई आरोप लगा। कंपनी की लड़ाई है, कंपनी का मैं डायरेक्टर बनाऊँ, कैसे बनाऊँ ये विषय कोर्ट के अधीन है, अगर जो मैं गलत हूँ तो कोर्ट हमको शैक कर देगा। हॉस्पिटल में जब
प्रमोद सिंह और पूरी कंपनी पिछले 3 वर्षों से उन्हीं के सिग्नेचर से उन्हीं लोगों ने 51% का शेयर बना के जब हॉस्पिटल चला रहा है, अगर प्रमोद सिंह को मेरे नाम से जोड़ा था तो हम कब्जा क्यों करेंगे हॉस्पिटल को? हमें आवश्यकता क्या है कब्जा करने की? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के मार्फत आज मैं पीड़ित हूँ। एक सांसद होने के नाते क्या मेरा एफ आई आर नहीं लिखा जाना चाहिए कि मैं इतना कमजोर हूँ मुख्यमंत्री जी के शहर में कि वीडियो में मुझे मेरे जाति को लेकर गाली दिया जा रहा है और मैं SSP से DM से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरा एफ आई आर दर्ज कीजिए और मैंने गलत किया तो मेरे खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वीडियो अपने आप को बताता है कि मैंने गलत किया है कि आने वाले लोगों ने गलत किया। अब जांच के लिए और जांच में लगता है कि लोगों ने मेरे जात को लेकर, मेरे समाज के लोगों को लेकर जो भड़काया जा रहा है, इसके पीछे किसकी राजनीति है, मेरे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी मंशा पूरा नहीं होगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये विवाद कंपनी की लड़ाई कोर्ट में चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। चाहे विजय पांडे हो, चाहे राज श्रीवास्तव हो, चाहे गोविंद गुप्ता जी हो, मैं इन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि लड़ाई सड़कों पर नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, जहाँ क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं इंसाफ देंगे और उनके अंडर की चीज़ भी नहीं है, यह हाईकोर्ट देगा या तो ROC कानपुर देगा। लेकिन मैं आप सब लोगों के मार्फत मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे मुकदमे को लिखा जाए, मेरे जात को लेकर मुझे गाली दिया गया है। बिजनेस अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, अगर मैं सांसद हूँ तो मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि मुख्यमंत्री के शहर में क्या मेरा बयान नहीं लिखा जाए? मैं तो खुद जब इस बात को 2 बार कह चुका हूँ आप लोगों के सामने, अगर मैंने भी गलती की है तो मेरे भी खिलाफ FIR होनी चाहिए। लेकिन अगर उन लोग खुद प्रायोजन करके आ रहे हैं, 40-50 की संख्या में आ रहे हैं, वीडियो में ललकार रहे हैं, वीडियो में गाली दे रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है, किस नियम कानून के तहत बंद किया गया? अभी तक 145-146 की कार्रवाई भी नहीं हुई, नोटिस चर्चा किया गया, वहाँ मरीज थे इतनी संख्या में। लेकिन मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता, अभी जो प्रशासन को लगा है कि वहाँ बवाल हो सकता है, उन्होंने 145-146 में जब्त किया है, मेरे उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बताना चाहिए था, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए था, उनको कोई कष्ट ना होता, वहाँ अफरा तफरी का माहौल जो बन गया, मेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास किया, मुझे लगता था इस पर विचार करना चाहिए था। ये संभव है मेरा आदमी कौन गाली देता था? वीडियो है, वीडियो के राम निवास के लड़के आनंद सिंह, आपने सुना है कि मैं सुनाऊं आप लोगों को? मैं वही पूछना चाहता हूँ, कोई ताकतें रोक रही है? कोई ताकतें नहीं रोक रही है। मेरी SSP साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि मुझे अपना दरखास्त दे दीजिए, मैं जांच करके FIR लिखूंगा। 24 घंटे हो गए हैं आज, उन्होंने कहा था कि मैं जांच कर रहा हूँ, मैं फिर बात करूँगा। मेरा FIR क्यों? एक आम आदमी अगर जो पोर्टल पर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को डालता तो उसकी कार्रवाई होती है, तो मैं एक सांसद हूँ, अगर जो मैंने कोई गलती किया तो उनका भी FIR लिखना चाहिए और मेरा भी FIR लिखना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कौन ताकत, लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं मेरे साथ राजनीति हो रही है। इसमें जिस तरह अखबार के लोगों ने पिछले 3 दिन से कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देता है तो उसको मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है। विजय पांडे का आरोप अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जब वो मामला NCERT की कोर्ट में था तो उस बीच में आपको शेयर कैसे बेचने? शेयर बेच ही नहीं सकते हैं भैया, शेयर बेच ही नहीं सकते हैं। अगर NCERT ROC में कोई मुकदमा चल रहा है तो आप शेयर लीगली बेच ही नहीं सकते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं खरीदा हूँ शेयर? शेयर बेच ही नहीं सकते, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने फ्रॉड किया ROC में जो 11 लोगों को डलाया, देखिए अप्रूवल उनका रिजेक्ट हो चुका है। वही मैंने कहा कि आप लोग ये कानून नहीं लड़ाई, ये कानून की तरफ कानून के लोग जान पाएंगे इसको, मैं भी इसको नहीं समझ सकता, मैंने गलत किया तो वो मेरे चेक कर देंगे, कंप्यूटर पर दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो जो उनका आरोप है कि मैं गलत किया हूँ, ये तो ROC का काम है। जिस तरह उनका रिजेक्ट हो गया, मेरा भी रिजेक्ट करा है। और जहाँ तक शेयर खरीदने की बात है, शेयर अभी कोई नहीं, हॉस्पिटल कैसे चले, डॉक्टर प्रमोद सिंह से हमारी बात हुई, उसको हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप साझेदार नहीं हैं?
अभी जब शेयर मैंने लिया नहीं तो मैं साजिश आप कैसे बताऊँ, मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी में, ये कागज़ बोल रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।